Hey everyone, this is Aishwarya and welcome to Beauty with Coach. तो guys, तुम में से जो भी मेरे को Instagram पे follow करते हो उन्हें तो पता ही होगा कि मैं आए दिन question sticker लगाती रहती हूँ. और जो लोग नहीं करते हो please कर लेना. अब ये बता दे रही हूँ कि question sticker मैं लगाती क्यों. वो mostly, not always, but mostly मैं सिर्फ इसलिए लगाती हूँ ताकि अगर तुम्हारा कुछ भी doubt है, कुछ भी question है तुम्हारे मन में, थोड़ा भी अगर सीरियस हो तो आराम से तुम ऐसे पूछ सकते हो. अगर वैसा कुछ रहा जो वन लाइनर टाइप आंसर जो मैं वहीं दे के काम ख़त्म करूँ तो वहीं आंसर दे देती हूँ. और अगर मुझे ऐसा कुछ लगा कि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा है, अच्छा खासा है, जो बहुत सारे लोग जानने में इंटरेस्टेड होंगे या फिर कुछ अच्छा टॉपिक है, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ यूट्यूब पर बनाती हूँ. तो उसी दौरान एक इंसान ने क्वेश्चन पूछा था कि जब हम किसी प्रोजेक्ट में डिप्लॉय होते हैं, मतलब हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो क्या हमें कोई गिफ्ट या कुछ मिलता है, मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले हमें कुछ गिफ्ट मिलता है या नहीं मिलता है. ओके, तो मैं इसका आंसर दे देती हूँ. तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि कोई सी भी कंपनी हो, कॉग्निजेंट हो, विप्रो हो, कुछ भी हो, ठीक है, कोई सी भी कंपनी आपको हायर किस लिए की है? हायर आपसे की है काम कराने के लिए. उसके बदले आपको क्या देती है? सैलरी. तो सैलरी आपको क्यों मिलता है? क्योंकि आप उस कंपनी के प्रोजेक्ट्स को करते हो, राइट, आप उसके प्रोजेक्ट में काम करते हो, इसके बदले आपको सैलरी मिलती है. तो एज अ गिफ्ट तो आपको पैसा मिल ही गया, राइट, आपने काम किया उसके बदले आपको पैसा मिल गया, दैट्स इट. तो फिर आप एक्स्ट्रा गिफ्ट, मतलब ये कॉन्सेप्ट तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था, वैसे क्वेश्चन अच्छा था तो इसलिए मैंने बनाने की का सोच लिया ये वीडियो. तो देखो, कोई वैसा गिफ्ट वगैरह कुछ तो नहीं मिलता है, ठीक है, मतलब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, आप उसमें चले गए, उसके बाद आपने काम किया. अब प्रोजेक्ट कितने टाइम का होता है तो वो फिर से डिपेंड करता है. कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो दो दो साल चलते हैं, कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो 6 महीने में ख़त्म हो जाते हैं, तो इस तरह से होता है, ठीक है. कुछ कुछ प्रोजेक्ट ऐसा होता है जो प्रोजेक्ट काफ़ी लंबा होता है लेकिन आप एक टाइम के बाद उस प्रोजेक्ट से बाहर निकल जाते हो, ठीक है, आप वो प्रोजेक्ट छोड़ देते हो, कोई और बंदा आके आपको रिप्लेस करता है और आप किसी और प्रोजेक्ट में चले जाते हो. तो बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, इस तरह से चीज़ें होती है. अगेन, बहुत बड़ी ऐसा होता है कि हम लेट्स से प्रोजेक्ट एक्स में काम कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है एंड अब हमें नए प्रोजेक्ट में जाना होता है, ठीक है. तो ऐसा होता है क्या, मतलब तुम्हारे मन में शायद क्वेश्चन हो कि ऐसा होता है क्या कि प्रोजेक्ट एक्स ख़त्म हुआ तो हमारे लिए सामने से प्रोजेक्ट वाई तैयार है, हम उसमें कूद जाएं? तो हर वक्त ऐसा नहीं होता, ठीक है. देखो, बहुत बड़ी तुमने बेंच का एक वर्ड है, बेंच पे है, ऐसे कुछ सुना होगा, जो लोग आईटी में ऑलरेडी हैं उन्हें पता होगा, जो जाने वाले हैं वो समझ लो, ठीक है. तो बहुत बारी ऐसा होता है कि लेट्स से आप प्रोजेक्ट एक्स में काम कर रहे थे, जो प्रोजेक्ट अब ख़त्म हो चुका है, जो भी काम था वो हो चुका है. उसके बाद जब तक आपको नया प्रोजेक्ट नहीं मिला है आप बेरोजगार हो गए हो. यस, आपको सैलरी मिल रही है, सब मिल रहा है, लेकिन आप किसी प्रोजेक्ट में हो नहीं, तो उस पीरियड को हम बेंच पीरियड बोल देते हैं, ठीक है. तो आप इधर उधर ढूंढ रहे होते हो कि मुझे कोई प्रोजेक्ट मिल जाए. अब ये बोलोगे जब मुझे बैठे बिठाए पैसे मिल रहे होते तो मैं क्यों ढूंढ रहा होता हूँ? तो आप इसलिए ढूंढ रहे होते हो क्योंकि अगर लंबे टाइम तक आपका बेंच पीरियड चला तो आपको निकाल देंगे. ये इस कंपनी को लगेगा ना कि मैं इसको बिठा के क्यों पैसे दूँ, राइट. अगर ये किसी प्रोजेक्ट में नहीं जा रहा है या इसको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, कोई इसको ले नहीं रहा है, मतलब ही इज़ नॉट एफिशिएंट, राइट. और या फिर अगर एफिशिएंट है भी तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो वो आपको हटा देंगे. तो इसीलिए होता क्या है कि लोग परेशान हो जाते हैं जब बेंच पीरियड में होता है आदमी, तो परेशान हो जाता है इधर उधर, लाइक जो भी प्रोजेक्ट उसे पता चलता है कि अभी स्टार्ट होने वाला है या इस प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट वगैरह हो सकती है तो वहाँ जाकर जाने की वो कोशिश करते हैं. तो एक ये चीज़ हो जाती है. कभी कभी क्या होता है कि ये बहुत हद तक आपके होम मैनेजर और इन लोगों पे भी डिपेंड करता है. अभी देखो, मैं होम मैनेजर का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि देखो, होम मैनेजर हो या कुछ भी हो, हर इंसान इंसान ही होता है, राइट. तो उसमें भी बहुत हर टाइप के इंसान होते हैं. कुछ होम मैनेजर्स थोड़े ऐसे लेज़ी से होते हैं जो उतना ध्यान नहीं देते, तो उनके अंदर जो लोग होते हैं, अब अगेन ये तो आपका कैसे होने वाला है वो तो आपको ही पता हो. तो क्या होता है ना कि उन वहाँ पे मोस्टली जो नीचे वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो फ्रेशर्स या कुछ भी होते हैं, जो उस होम मैनेजर के अंडर वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाती है अगर होम मैनेजर लेज़ी होता है. उनको मोस्टली प्रॉब्लम इसलिए होती है कि अगर उनका प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, लेट्स से प्रोजेक्ट एक्स ख़त्म हो गया, तो अब उन्हें खुद से इधर उधर ढूंढना पड़ जाता है. बहुत परेशानी होती है, राइट. उन्हें ढूंढना पड़ जाता है कौन सा प्रोजेक्ट है कौन सा नहीं है. मिल गया तो ग्रेट, अगर तुम खुद स्मार्ट हो तो ऑब्वियसली तुम खुद ले लोगे, लेकिन अगर तुम उतने स्मार्ट नहीं हो, तुम थोड़े शाई हो, स्मार्ट हो बट शाई हो, बहुत लोग होते हैं स्मार्ट हैं लेकिन खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से तुम्हें प्रोजेक्ट लंबे टाइम तक नहीं मिल पाया. तुम एफिशिएंट हो, टेक्निकली साउंड हो, सब कुछ हो यार, लेकिन तुम शाई हो, तुम सामने से बोल नहीं रहे हो कि मुझे प्रोजेक्ट चाहिए या कुछ भी ऐसा कुछ. तुम ढूंढने की भी कोशिश नहीं कर रहे हो कि कहाँ पे रिक्वायरमेंट है नहीं है. तो इस वजह से क्या होता है कि तुम्हें बहुत टाइम तक काम नहीं मिला एंड हो सकता है तुम्हें बाहर कर दिया जाए.
तो ये चीज़, ये प्रॉब्लम उन लोगों को स्पेशली होती है जिनका होम मैनेजर जो है वो थोड़ा केयर फ्री टाइप हो जाए या लेज़ी हो, ऐसा कुछ। अगेन कुछ होम मैनेजर्स ऐसे होते हैं, जैसे मेरी होम मैनेजर है, बहुत ज़्यादा एक्टिव, प्रोएक्टिव। तो इनके अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो थोड़े से रिलैक्स हो सकते हैं। थैंक गॉड मेरी वाली काफ़ी अच्छी है, मेरी वाली अलग है, मजाक कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छी है। तो इसमें क्या है, मेरे केस में क्या है कि मेरा एक प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ और उससे पहले मेरे लिए वो दूसरा प्रोजेक्ट ढूंढ के तैयार रखती है। तो ऐसा बहुत बड़ी होता है, लाइक अभी मेरा 2 साल कंप्लीट हो गया है इस कंपनी में। तो ऐसा मेरा हुआ है कि एक प्रोजेक्ट मेरा ख़त्म हुआ नहीं और वो मेरे को कह देती हैं कि अभी तो इस मंथ आपका ख़त्म हो जाने वाला है, तो एसोसिएशन इस प्रोजेक्ट से ख़त्म होगा, चाहे प्रोजेक्ट ख़त्म हो या बस मैं उतने दिन के लिए असाइंड हो, जो भी, तो इतने दिनों में आपका तो ख़त्म हो जाएगा, तो अब नेक्स्ट मंथ से आपका इसके साथ काम शुरू हो जाएगा, इस प्रोजेक्ट में आप एंटर कर जाओगे। तो वो मुझे वहाँ के लोगों से मिलवा भी देती हैं, उसके बाद अकॉर्डिंगली हमारा काम शुरू हो जाता है। तो लाइक टच वुड, अभी तक तो ऐसा ही हुआ है 2 साल में मेरे साथ, तो मेरे साथ वो बेंच वाली बात कभी नहीं आई। हाँ, फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारा होता है जब हम ज्वाइन करते हैं, उसके बाद वो मिलने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था। वो पहला प्रोजेक्ट मुझे 4-5 महीने के बाद मिला था, तो 4-5 महीने आई वॉज़ बेरोजगार एंड आई वॉज़ गेटिंग लाइक मेरा पेमेंट पूरा पूरा, पूरी सैलरी। सो आई वॉज़ गेटिंग मेरी सैलरी एंड एवरीथिंग, एंड उस वक्त मुझे कोई डर नहीं था कि निकाल देंगे या कुछ भी, बिकॉज उस वक्त ऐसा था कि 2020 का टाइम था, और 2020 का मतलब सबको पता है कोरोना का टाइम था, सबको पता है, उतना प्रोजेक्ट वगैरह था नहीं, तो वहाँ पे मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एंड अगेन मैं वहाँ पे फ्रेशर थी, मैं वहाँ पे न्यू थी, तो फ्रेशर से उतना एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि इधर उधर तुम खुद ढूंढो, लाइक हम नहीं ढूंढ के देंगे, तुम खुद ढूंढो ये वो। वो फ्रेशर से एकदम नहीं एक्सपेक्ट करते, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि बच्चा अभी अभी कॉलेज से उठ के आया है, इसको पता ही नहीं है आईटी सेक्टर में कैसे काम होता है, नहीं होता है, वो अभी सब सीखेगा, उसे कुछ नहीं पता है, राइट। तो वहाँ पर उतना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जैसे अभी अभी मैं जिस पोजिशन पर हूँ, अब वो समझ गए कि 2 साल इसने काम कर लिया, इसे सब पता है, ठीक है, लाइक नॉट सब पता है पर काफ़ी कुछ पता है, इसे चीज़ों का मतलब समझ आने लग गया, इस तरह से उन्हें अब पता है। तो अब मेरा वो बहाना नहीं चलेगा कि मैं 5 महीने बेंच पे हूँ क्योंकि मेरी होम मैनेजर ने मेरी हेल्प नहीं की है, किसी और ने, आपने खुद क्यों नहीं अपनी हेल्प की, राइट। अभी ये क्वेश्चन आ जाएगा, अभी वो तो नहीं आएगा कि मुझे पता ही नहीं था कि बेंच जैसा क्या होता है। ऑब्वियसली जो बच्चा अभी फाइनल ईयर में है या पास हो गया है, उसे कैसे पता होगा, उसने कभी इन चीज़ों को एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, तो उस वक्त नहीं होता था, अभी मेरे से एक्सपेक्ट किया जाएगा ये सब। लेकिन मैं काफ़ी लकी हूँ कि फर्स्ट प्रोजेक्ट जो, जैसा मैंने बताया, 4-5 महीने, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है पर काफ़ी टाइम लगा था, तो 4-5 महीने बाद मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला। वो अराउंड अराउंड 6 मंथ में उस प्रोजेक्ट में थी, एंड लाइक जून में मैंने वो प्रोजेक्ट आई गेस छोड़ा, वो प्रोजेक्ट से मैं बाहर हुई हूँ। एंड July 3rd और 4th, लाइक समझ रहे हो, जून को मैंने ख़त्म किया है, तो 30th जून ले लो, एंड 3rd और 4th जुलाई, ऐसे कुछ, बस मैं दूसरे प्रोजेक्ट में घुस चुकी थी। ओके, उस वक्त मैं KT वगैरह ले रही थी, कुछ चीज़ें की, एंड उसके बाद मेरा काम शुरू हुआ, बट मैं दूसरे प्रोजेक्ट में असाइन हो चुकी थी, एंड ऑल थैंक्स टू माय होम मैनेजर। मुझे कहीं इधर उधर मुंह नहीं मारना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, उन्होंने कर दिया था। तो इन चीज़ों पे भी बहुत कुछ डिपेंड कर जाता है। लेकिन वो जो गिफ्ट वाला क्वेश्चन था, जिसके अराउंड मैंने इतना बड़ा सा वीडियो बना दिया, तो गिफ्ट विफ्ट नहीं मिलता, आपकी गिफ्ट जो है वो सैलरी ही है, आपको सैलरी मिल रही है, एनफ है। साल में किसी कंपनी में 1 बार, किसी कंपनी में 2 बार आपको बोनस मिलता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। किसी किसी कंपनी में साल में 1 बार मिलता है, किसी में साल में 2 बार मिलता है। अगेन कुछ फेस्टिवल हो गया, लाइक न्यू ईयर हो गया, या फिर क्या बोलते हैं, दीपावली हो गई, या कुछ वैसा हो गया, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि आपके जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, तो आपके क्लाइंट की तरफ से, या फिर आप जिस कंपनी में, उस कंपनी की तरफ से भी आपको गिफ्ट मिले, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको हो सकता है मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप जितनी बार प्रोजेक्ट में जा रहे हो उतनी बार गिफ्ट मिलेगा, या प्रोजेक्ट में असाइन होने की खुशी में आपको गिफ्ट, ऐसा नहीं मिलता, ठीक है। दीपावली गिफ्ट हो सकती है, न्यू ईयर गिफ्ट हो सकता है, इस टाइप की चीज़ें, होली गिफ्ट में भी हो सकता है, इस तरह से। तो खैर, मैंने काफ़ी सारा कुछ बता दिया, एक क्वेश्चन पूछा और मैंने कितना सारा 3-4 आंसर दे दिया। खैर कोई नहीं, जिसको जो चाहिए था उसे शायद पता चल ही गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल, दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय बाय।